पसरदे पश्चियत से हटा दो। ए खुदा, अपनी बस्ती को अब खुद संभालो, खुद संभालो। पारो भाई, हम तो चले। इतनी जल्दी उस्ताद जी, कहाँ? अरे भाई, घर और कहाँ। हाय, अल्लाह खैर। देखे तो उस्ताद जी, कौन आए? आइए आइए पारो। अरे सरकार आए, आधा मर्जे। भाई यहाँ तो महफिल की तैयारियां हैं। ये किरण को क्या हुआ? किरण, तुमने मलिक साहब को सलाम नहीं किया? सलाम अलैकुम। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस ऐसे ही, सर में दर्द था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खैर है। देखो पारो, किरण का खास ख्याल रखा करो। अख्तर जी। उस्ताद, आज ये फिल्मेरिया का मरीज नजर नहीं आ रहा। कौन उस्ताद? अबे नोशे की बात कर रहा हूँ, और कौन? उस्ताद आज नहीं आया वो। नहीं आया? मेरा ख्याल है मुझे वर्कशॉप का कानून बदलना पड़ेगा। ओ सलीम, ओ सलीम, कोई भी मेरी इजाजत के बगैर गेट के अंदर बाहर नहीं जाएगा। और किरण, ये तुम्हारा मोबाइल। अब जब चाहो तुम मुझसे बात कर सकती हो। अब तो मुस्कुराओ। मैं इसे अपनी छोटी बहनों की तरह चाहती हूँ। और हाँ, वो हमने सारा इंतजाम कर लिया, अब तुम्हें यहां कोई तंग करने नहीं आएगा। हुजूर, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए सरकार, हमें तो हर वक्त धड़का लगा रहता था कि कहीं कोई आ ना जाए। क्यों फिक्र करती हो पारो, किसकी इतनी मजाल कि यहां गलत नीयत से दाखिल हो? हुजूर, आपके दम का ही तो ये जहूरा है। आप हमारे माई बाप हैं हुजूर। आप बताएं, आप ठंडा पियेंगे या चाय, या फिर इंतजाम करूं आपके लिए? नहीं नहीं, हम चलते हैं। माफ कीजिएगा हुजूर, आप हवा के ठंडे झोंके की तरह आते हैं और पगोले की तरह चले जाते हैं। सरकार, कभी हमें भी तो खिदमत का मौका देना जी। पारो, हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन हमारा दिल और दिमाग तो यहीं रहते हैं ना। मिले कोई दिलदार मिले, आंधा सवाद गले बात दार। टाउं टाउं गिरे ने बाल मेरे, रेड़ा में नाल तेरे, आंधा है पहली मुलाकात दार। लुड़ी है जमालो पाओ, लुड़ी है जमालो, लुड़ी है जमालो पाओ, लुड़ी है जमालो। अरे क्या हुआ मुन्नी के मुन्ना, ए दरवाजा तो खोलो। अरे क्या बात है, ये दरवाजा नहीं खोल रहे। अरे मुन्ना हुआ, कुंडा तो खोलो।
दरवाजा खोल भी दो, मुन्ना हुआ तुम्हारे घर में? लगता है कुछ नहीं हुआ, अगर होता तो अभी तक दरवाजा खुल जाता टिका के। ऐसे वहम हुआ होगा। हाँ। चलो अगली गली में मुन्ना हुआ, उधर चलते हैं। तू ऐसे कहती तेरे साथ ही जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? कल भी पोल्ट्री फार्म लेके कि मुन्ना हुआ, वहाँ गए तो चूजा हुआ। चल देख, पैसों के बजाय अंडे लेकर कुछ ना कुछ मिला तो है। तो अगली गली में मुन्ना हुआ, इस गली में नहीं हुआ। चलो अगली गली में मुन्ना हुआ, वहाँ चलते हैं। काम शुरू। मारो आपा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार खुश है तो सुनने वाला मोबाइल दे गए, और नाराज हो गए तो ले जाने वाली मोबाइल भेज देंगे। अरे जाओ, जब तक किरण की किरणें यहाँ मौजूद हैं, हमारे घर में रोशनी आती रहेगी, आती रहेगी। क्यों साची? क्या करूं, जाऊं कहां, कोई ठिकाना भी नहीं। क्या करूं, कुछ फल लाया था नौशा के लिए। अरे बेटा, तुम्हारी यही मेहरबानी क्या कम है कि तुम उसे पूछने के लिए आए। इतने महंगे जमाने में तुम्हें इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी बेटा? तुम्हारा ये एहसान हम पर क्या कम है कि तुमने नौशा को सड़क से उठाया, उसको अस्पताल लेके गए, उसकी मरहम पट्टी कराई और फिर उसको घर पे छोड़ के गए। हाँ, बेटा भी कह रही हैं, फिर गैर भी समझ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपकी तारीफ? ये मेरा छोटा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जी अनवर अली, लेकिन घर में और दोस्त सब अन्नू कहते हैं। अच्छा, तो अन्नू क्या करते हैं, आपकी क्या मसरूफियात? जी मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी पढ़ता हूँ। इतना बड़ा हो क्या? बहुत बातें करनी आ गई तुझे। चल अंदर जा, सुल्ताना से पूछ चाय क्यों नहीं लाई अब तक। जा जी। अच्छा, बड़ा ही बातूनी है ये। बहुत अच्छा बच्चा माशाल्लाह। अम्मा कह रही हैं जल्दी से चाय लो। आ रही हूँ ना, तुम जाके बैठो ना। साहब आपने बुलाया मुझे? ओए, बहुत हाथपांव चल रहे हैं तुम्हारे। मैं कुछ समझा नहीं साहब। समझा नहीं का बच्चा, 4 महीने से लाइन हाजिर हो तुम, अभी भी तुम्हें समझने में कोई वक्त लगेगा। एक बात तो बता, कब्रिस्तान के साथ वाले इलाके में तुमने क्या हाथ दिखाया? किसकी इजाजत से नफरी लेकर गए थे तुम वहां पर? मैंने तो तुम्हें कोई इजाजत नहीं दी। साहब आपकी इजाजत के बगैर तो साहब जी हम लोग हिलते भी नहीं साहब जी। कब इजाजत दी तुम्हें मैंने गाने वालियों को डराने धमकाने के लिए? साहब कभी कभी आपसे बगैर पूछे भी। बगैर पूछे का बच्चा, मैंने तुम्हें हर बार के लिए इजाजत दी है। जहां दिल चाहता वो उठा के चले जाते हो। ओए, ऐसी हरकत करने से पहले ये पता कर लिया करो कि इन बंदों के पीछे हाथ किसका है। बकवास करते हैं सर जी, वो गिद्दर पक्कियां मारते हैं, फड़ियां मारते हैं साहब जी। वो लोग मलक साहब के बंदे हैं, वो गाने वाली मलक साहब की खास है। खबरदार, उधर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और अब थाने के अंदर ही रहा करो, बाहर जाके कर्तव्य दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है सर। ठीक है क्या बच्चा, जाओ यहां से, शक्ल गुम करो।
अस्सलाम वालेकुम। एसएसपी साहब से बात करा दे। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, आ गए। मैं सोच रही थी कि किसी को भेज के तुम्हें बुलवाऊं, और रात को जो मेरा रवैया था मैं उसकी तुमसे माफ़ी मांगूं। मुझे माफ़ कर देना बेटा। देखें, आपने उस वक्त जो कहा वो तो एक जज्बाती अमल था। मुझे पता है कि आप उस वक्त परेशान थी, इस वजह से आपने वो सब कुछ कहा। मैंने अगर बुरा माना होता तो मैं दोबारा तो नहीं आता। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बेटा कि तुमने बुरा नहीं माना। तुम वाकई बहुत ही नरम दिल और बहुत ही रहम दिल इंसान हो। बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा समझा। नहीं नहीं बेटा, वो तो इंसान की बोलचाल से, उसके रखरखाव से पता चल जाता है कि इंसान का किरदार कैसा है। लेकिन परखने वाली अकल और नज़र लोगों के पास कहाँ होती है? अरे बेटा, तुमने हमारे बच्चे के लिए जो किया है उसके बाद तो मैं समझती हूँ तुमको अल्लाह ने फरिश्ता बना के वहाँ भेजा था। हम तुम्हारे हमेशा ही एहसान मंद रहेंगे। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। बहुत ही नेक और रहम दिल बच्चे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। अरे सिर्फ चाय लेके आ गई, कुछ खाने के लिए नहीं लाई? अच्छा रख यहाँ पर, मैं भी आई। अनु अनु लोग इधर उधर बात तो कर सकेंगे, वरना तो खिड़कियों में खड़े होकर। मैं तुम्हारे किसी मामलात में ना बोलती हूँ ना बात करती हूँ। मेहरबानी होगी तुम भी मेरे हर मामलात में सोच समझ कर बात किया करो। अरे मैं तो तुम्हारे और मलिक साहब की मोहब्बत की तारीफ कर रही थी। तारीफ नहीं कर रही थी, तुम जल रही थी, क्योंकि तुमसे तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। ओए, ये क्या तुमने हर वक्त की किलकिल किलकिल मचा रखी है? नीलो चलो तुम अपने कमरे में। इसे भी कुछ हिदायत दे दिया करो। किरण तुम भी अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखा करो, चलो अंदर जाओ। उससे इतनी इज्जत से? जाओ अपने कमरे में, और मुझे कि चल नीलो अंदर चल। शिकवा नहीं